मॉल ऑफ लाहौर में मुनक्किद होने वाले लाहौरी फूड फेस्टिवल को 10 जून को खत्म होना था, लेकिन लगता यूं है कि लाहौर के वासियों को जैसे इन पकवानों का चस्का सा लग गया है और लोगों की पुरजोर फरमाइश पर इस फूड फेस्टिवल की तारीख में तौसी कर दी गई। मॉल ऑफ लाहौर में जारी लाहौरी फूड फेस्टिवल में अंदरून शहर के मशहूर पकवानों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया है। फूड फेस्टिवल में फज्जे के पाए, इरशाद भट्टी टिक्का, हनीफ चप्पल कबाब, वारिस निहारी, सादिक हलवापुरी और हाजी गोल गप्पू वाला ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल्स पर आने वाले अफराद ने कहा कि इन्हें शहर के मशहूर पकवानों को एक ही छत के नीचे देखकर इंतहाई खुशी है और वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी मॉल ऑफ लाहौर इस तरह के फेस्टिवल्स मुनक्किद करवाता रहेगा। आप देखिए ना, इतनी सब जगहों पे वारिस निहारी बहुत अंदर की साइड पे है और फिर ग्वाल मंडी, तो ये सारे टेस्ट यहाँ पर मजीद बेहतर, ज़्यादा हाइजीनिक अंदाज में और बेहतर एटमोसफियर में आपको कम टाइम देते हुए खाने को मिल रहा है, तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, खाना हर चीज़ बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इतनी दूर जाके खाना और फिर वहाँ पे बैठने का भी इतना सही इंतज़ाम नहीं और पर्दे का भी, ये तरह अच्छा है कि आप आएँ और आराम से फैमिली को लेके आएँ, बच्चों को लेके आएँ और यहाँ पे बैठ के खाएँ। मॉल ऑफ लाहौर में स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि उनको यहाँ स्टॉल लगाए 1.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है, इनके कारोबार में आए दिन इजाफा हो रहा है। इन्हें इस बात की खुशी है कि लोग इनके बनाए हुए पकवान से लुत्फ उठा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी सारे बहुत ही, यानी इनसे संभाला नहीं जा रहा काम, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड पे तो बहुत ही अच्छा काम है जी। ये सारे देख लें, फज्जा सिरी पाई वाले हैं, इरशाद भट्टी वाले हैं, हनीफ चप्पल कबाब वाले हैं, हम सादिक हलवापुरी है, वारिस निहारी वाले हैं, यानी सारे यहाँ नामवर हैं और आप बिल्कुल ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएँ इधर आकर। ये 1.5 माह में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग आ रहे हैं इधर और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये रहे और मजीद रमज़ान तक रहे, रमज़ान में हम लोगों को इफ्तारी वगैरह भी दी। मॉल ऑफ लाहौर के मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद अहमद ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए कहा कि मॉल ऑफ लाहौर में लाहौरी फूड फेस्टिवल कराने का मकसद ऐसे लोगों को लाहौर के रवायती खानों से मुतारिफ करवाना है जिनका अंदरून लाहौर जाना नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज से पहले शहर में किसी भी जगह इस तरह का अनोखा फूड फेस्टिवल मुनक्किद नहीं कराया गया। मॉल ऑफ लाहौर ने आज से 1.5 महीने पहले ये जो एक खूबसूरत फेस्टिवल लोगों के लिए शुरू किया था, तो इसका मेजर मकसद यही था कि लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके बेस्ट लाहौरी फूड को एक बहुत अच्छे और खूबसूरत माहौल में इसको एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि लोगों ने इसको इसरार किया कि इसको और आगे तक बढ़ा दें। इसमें दोनों लोग, जो कि लोग बाहर से आ रहे हैं और इसको आके पसंद करें फूड वो लोग, और जो लोग इसको सर्व कर रहे हैं वो दोनों बहुत खुश हैं कि हमें इस खूबसूरत माहौल में रह के अपना काम करने का मौका मिला और लोगों को एक बेस्ट जो एक जायका है लाहौर का, बेसिक टेस्ट जो है वो उनको अवेलेबल हुआ इस जगह पे। मॉल ऑफ लाहौर में आने वाले शायकीन का कहना है कि शॉपिंग के साथ साथ लाहौर के मशहूर पकवान खाकर इनका मजा दुबाला हो गया है। इस फूड फेस्टिवल से इन्हें शहर के रवायती खानों से रोशनास होने का मौका मिला है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ आसिम भट्ट, सिटी 42, मॉल ऑफ लाहौर।